Vivo Y16 वर्सेस Oppo A17। तो गाइज फाइनली आज हम करने वाले इसका कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधव 8। सो आइए चले देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास Vivo Y16 और Oppo A17। तो गाइस बात करते हैं पे Oppo A17 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों बात करते हैं पे Vivo Y16 की, तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Oppo A17 के अंदर 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे Vivo Y16 की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने काफी सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनल इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। दोस्तों फिलहाल जो आप स्क्रीन पे फोटोज देख रहे हो मैंने इसी दोनों फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए क्लिक किए हैं रूम के अंदर, यानी कि रूम की सारी लाइट्स ऑफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट में आप फोटोग्राफी करते हो तो इसका रिजल्ट जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लग रही है नाइट मोड में कमेंट्स में ना जरूर से बताना। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Oppo A17 और इसी Vivo Y16 के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए, यानी कि आप इन दोनों में से किसी एक फ़ोन से ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी Vivo Y16 और इसी Oppo A17 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे, तो गाइज आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली Oppo A17 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यहाँ पे साफ साफ विनर है Oppo A17। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक फोन परचेस करना है स्पेशली कैमरे के लिए तो आपको Oppo A17 के लिए ही जाना चाहिए। यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा कैमरा टेस्ट के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो Oppo A17 का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है।
मैं खुद आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप ओप्पो A17 जो परचेस कीजिए कैमरे के मामले में। तो यूपी गाइस के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।